बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन गुरुवार को हो गया। वह 67 साल के थे। उनके निधन की जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी। अमेरिका में कैंसर उपचार कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे अभिनेता ऋषि कपूर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे पिछले कुछ दिनों से मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती थे। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने यह जानकारी दी थी। हिंदी सिनेमा के लिए अप्रैल के महीने के ये आखिरी दिन काले दिनों की तरह आए हैं। बुधवार को एक्टर इरफान खान ने इस दुनिया से रुखसत ली और गुरुवार को बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋषि कपूर ने भी कैंसर के चलते मुंबई के अस्पताल में दम तोड़ दिए हैं। वो पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती थे। यहाँ उनकी पत्नी नीतू उनके साथ बनी हुई थी। हॉस्पिटल से मिली जानकारी के मुताबिक ऋषि कपूर को कैंसर संबंधित समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें ICU में रखा गया था। उन्हें बार बार वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ रही थी। ऋषि कपूर के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद ही फैंस उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे थे, लेकिन ये दुआएं काम नहीं आ सकी। इस खबर के साथ ही बॉलीवुड में शोक का सन्नाटा पसर गया है। सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने इससे जुड़ा ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया। इसके बाद में परेश रावल, अक्षय कुमार, रेणुका साहने जैसे कई एक्टर अपना दुख सोशल मीडिया पर जता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।